दिल्ली विधानसभा में आपको बता दें लगातार किस तरीके से आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन में लगातार तीनों दिन आपको बता दें दिल्ली विधानसभा में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के ही विधायकों द्वारा हंगामा किया गया और जनता से संबंधित कोई भी मामले जो है आपको बता दें वो नहीं उठाए गए और आप एमएलए मोहिंदर गोयल ने नोट अपने हाथ में ये नोटों का बंडल लेकर वो हाउस में आए और क्या कुछ और जानकारी है सीधे रुक करेंगे हमारी सहयोगी नियामिका का। जी नियामिका, ये जो आपके विधायक हैं आम आदमी पार्टी के विधायक हैं मोहिंदर गोयल विधानसभा में संबोधन के साथ ही साथ अपने हाथों में नोटों का बंडल लिए हुए हैं, आखिर किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो? आज लगातार तीसरे दिन ये जिस तरीके का हंगामा दिखाई देने को मिल रहा है उसी के तहत आज एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो नोटों का बंडल लेके पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ अगर ऑपोजिशन की बात करें विपक्ष की बात करें तो भाजपा के जो विधायक हैं वो बॉटल में यमुना नदी का पानी लेकर पहुंचे थे। वो ये चर्चा चाहते थे कि आखिर जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आई है यमुना नदी की, उसमें ये बताया गया है कि पिछले 8 सालों में यमुना नदी का जो पानी है वो 200% ज्यादा जहरीला और पोल्यूटेड हो गया है और उसी के चलते उन्होंने एक डिस्कशन की मांग की थी लेकिन उनको डिस्कशन के लिए अलाउ नहीं किया गया और उसी के बाद में अब जो ये तमाम भाजपा के विधायक है वो जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल उनके उनके ऑफिस के बाहर में एक धरना दे रहे हैं और उनकी यही मांग है कि आखिर क्या वजह है कि स्पीकर उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं एक डिस्कशन के लिए। और आप ये विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बॉटल है वो लेकर आए हैं और उस बॉटल में यमुना का जो पानी है वो भी दिखाई दे रहा है जो कि बिल्कुल काला प्रतीत हो रहा है और उसके अलावा उन्होंने जिस तरीके से ये प्लेकार्ड्स ले रखे हैं उसमें भी साफ उन्होंने बोला है कि 8 सालों में यमुना का जो प्रदूषण है वो 2 गुना हो गया है और उसी की वजह से वो एक जवाब चाहते हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से कि आखिर क्या वजह है कि इस यमुना की जो सफाई है उसमें कोई भी कदम सरकार नहीं उठा रही है। बात कर लेते हैं भाजपा के विधायक से कि सर आप लोगों को तो मार्शल आउट कर दिया गया, आप लोग एक चर्चा की मांग कर रहे थे लेकिन उसके लिए अलाउ नहीं किया गया, क्या वजह? देखिए मैं आपसे एक क्षण में आपके चैनल के माध्यम में एक निवेदन करना चाहता हूं। मेंबर के हितों की रक्षा उसके बातों की रक्षा कौन करेगा? स्पीकर। कस्टोडियन कौन है? स्पीकर। मान लिया हम दिल्ली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, दिल्ली के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, हमने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तो आज उन्हीं के विधायक ने नोटों की गड्डिया लहराते हुए कहा भ्रष्ट है। हमने आज यमुना के पानी के बारे में प्रदूषण पर चर्चा करनी चाहिए, ये उस चर्चा में सरकार को बचाने का काम स्पीकर साहब कर रहे हैं, वो ढाल बन के खड़े हो जा रहे हैं जबकि सरकार को बचना नहीं देना चाहिए, दिल्ली के हितों की रक्षा होनी चाहिए। मान लिया उसमें नाले और नालियां गिरती हैं उनमें ईटीपी प्लांट्स कौन लगाएगा? वो दिल्ली सरकार की ड्यूटी है। हो सकता है तुम्हारी एलजी और तुम्हारी आपस की किसी बातों पे मतभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं है जिसको ये मनु के अंदर ये गांठ बना करके ये लेके चल रहे हैं। मेरा सीधा कहना है यदि केंद्र सरकार आपको बजट देता है वो 2419 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के जनसाधन मंत्रालय द्वारा दिया गया, आखिर आप उसको गंदा नाला क्यों बनाना चाहते?